हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ट्रेस एंड डांसर सुंबुल तौकीर के बारे में। सुंबुल उनके टीवी शो इमली के लिए जानी जाती हैं और इन दिनों सुंबुल रियलिटी शो बिग बॉस में भी काफ़ी पसंद की जा रही हैं। जैसा सुंबुल ने अपने शो में नटखट और मासूम कैरेक्टर प्ले किया है, असल लाइफ में भी वो लगभग वैसी ही हैं। बिग बॉस के घर में सुंबुल सबसे यंग कंटेस्टेंट हैं। सुंबुल की उम्र जरूर कम है, लेकिन उन्होंने अपने करियर में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए जिंदगी का तजुर्बा उन्हें अच्छा खासा है। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करियर शुरू करने वाली सुंबुल ने कितना स्ट्रगल किया, कैसे वो टीवी इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस बनी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें लगभग एक महीने तक किसी के साथ अंधेरे कमरे में रहना पड़ा, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसीलिए जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ एंड तक। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं शुरू से। सुंबुल का निकनेम गुनगुन है। 15 नवम्बर 2003 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम सुंबुल रखा गया। बहुत से लोगों को लगता है कि सुंबुल का जन्म कटनी मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ये सच नहीं है। Many people think that I'm from, I'm born in MP Katni, but I'm not born there. So I was born in Shahjahanpur, UP. सुंबुल के पिता पेशे से एक कोरियोग्राफर हैं, वो स्कूल में बच्चों को डांस सिखाते हैं। दोस्तों, जब सुंबुल काफी छोटी थी तो उन्हीं दिनों सुंबुल के माँ पापा का रिश्ता खराब होने लगा और बातें इतनी बिगड़ गईं कि सुंबुल के माँ पापा का तलाक हो गया। जब इन दोनों लोगों का तलाक हुआ तब सुंबुल केवल 6 साल की थी। अपनी वाइफ से तलाक के बाद सुंबुल के पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर कटनी मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए। जी हाँ दोस्तों, सुंबुल की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम सानिया है, वो भी पेशे से एक्ट्रेस हैं। सुंबुल की मां के चले जाने के बाद सुंबुल के पापा ने मां और पापा दोनों की जिम्मेदारी निभाई। सुंबुल कहती हैं, मेरे पापा ने मुझे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। जैसा कि हमने आपको बताया, सुंबुल के पिता एक डांस कोरियोग्राफर हैं, इसीलिए सुंबुल का इंटरेस्ट भी बचपन से डांस में रहा। जब तक सुंबुल 6 या 7 साल की हुई तब तक वो अच्छा खासा डांस सीख चुकी थी। एक अच्छी डांसर होने के साथ साथ सुंबुल बचपन से ही ड्रामेबाज भी रही और ये चीज उनके फादर को बहुत पसंद आती थी, और इसीलिए सुंबुल के फादर ने तय किया कि वो सुंबुल को एक्ट्रेस बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर सुंबुल का पैशन डांस बन गया था, वो एक्ट्रेस बनने के नहीं डांसर बनने के सपने देख रही थी। बात करें सुंबुल की एजुकेशन की तो वो अपने 12th तक की पढ़ाई कम्प्लीट कर चुकी है और फिलहाल वो ग्रेजुएशन कर रही है। वो पढ़ाई में तो अच्छी रही पर सोच के चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई। सुंबुल जब रेगुलर स्कूल जाती थी तो अपने स्कूल में होने वाले फंक्शन में डांस परफॉर्म किया करती थी। सुंबुल का डांस में लगाव था और सुंबुल की छोटी बहन को डांस के साथ साथ एक्टिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। सुंबुल के पिता ने ही अपनी दोनों बेटियों को मुंबई ले जाकर डांस और एक्टिंग के लिए ऑडिशन दिलाना शुरू किया। हालांकि सुंबुल के पिता की मुंबई में कोई पहचान तो नहीं थी, इसीलिए इन लोगों को रहने और खाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। सुंबुल कहती हैं, जब मेरे पापा मुझे ऑडिशन दिलाने लाते थे तो हम लोगों को एक एक बड़ा पाव खाकर पूरा पूरा दिन गुजारना पड़ता था। सुंबुल चाहती थी कि उनका सिलेक्शन कहीं डांस में हो जाए, पर नहीं हो रहा था। सुंबुल का तो काफी टाइम तक सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनकी सिस्टर सानिया को जोधा अकबर में एक छोटा सा रोल मिल गया। हालांकि ये रोल थोड़े ही दिन का था। फिर कुछ टाइम बाद सुंबुल को साल 2014 में अकबर बीरबल शो में एक रोल मिल गया। ये शो बिग मैजिक पर आया था। ये रोल भी उनका बहुत छोटा था। सुंबुल ने साल 2015 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर का भी ऑडिशन दिया था, पर वो वहां ज़्यादा आगे नहीं जा पाई। इसके बाद सुंबुल को समझ आ गया कि डांस में उनका ज़्यादा करियर नहीं है, उन्हें एक्टिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सुंबुल ने मुंबई में ही एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज़ का सुंबुल को फायदा हुआ। कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑडिशन दिया चंद्रगुप्त मौर्य शो में। इस शो में सुंबुल को एक साइड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। यहां से सुंबुल का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया और उन्हें अब एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आ चुका था। इसके बाद सुंबुल ने जोधा अकबर शो में ऑडिशन दिया और वहां भी उन्हें एक साइड रोल मिल गया। इसके बाद सुंबुल को कुछ और शोज में साइड रोल मिलते रहे। सुंबुल के सेटल होने के बाद सुंबुल के पिता वापस अपने शहर जाकर अपना काम करने लगे।
दोस्तों एक टाइम ऐसा आया जब सुम्बुल को साल भर कोई काम नहीं मिला और इस दौरान उनकी सारी सेविंग्स भी लगभग खर्च हो चुकी थीं। हालांकि जब उनकी थोड़ी सी सेविंग बची थी तब उन्हें एक सो तो मिल गया, पर इंडस्ट्री का रूल है कि 90 दिनों तक कोई चेक नहीं दिया जाएगा। इसीलिए 60 दिन तक तो जैसे तैसे काम चल गया, पर आखिरी 30 दिन उनके बहुत कठिन रहे। इस दौरान सुम्बुल अपने फ्लैट में अपने सिस्टर के साथ अंधेरे में या मोमबत्ती जलाकर रहती थीं, क्योंकि बिल ना दे पाने के कारण बिजली काट ली गई थी। उनके पास खाना खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था, तो वो शूटिंग के सेट पर अपनी बहन को भी ले जाती थीं, क्योंकि सेट पर खाना मिलता था। दोस्तों एक महीने ऐसे ही चला, फिर चेक मिल गया तो चीजें ठीक हुई। दोस्तों साल 2019 में सुम्बुल को एक बॉलीवुड मूवी में ऑडिशन देने को बुलाया गया। ये मूवी थी आर्टिकल 15, जिसके लीड एक्टर थे आयुष्मान खुराना। सुम्बुल के ऑडिशन के बाद उन्हें इस मूवी में एक यंग मेड के साइड रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। दोस्तों इस सब के बाद भी सुम्बुल की टीवी पर वो पहचान नहीं बनी थी जो एक्ट्रेस को चाहिए होती है। उनके पास कोई रेगुलर काम भी नहीं था। जब साल 2020 में लॉकडाउन लगा तब सुम्बुल पर कोई काम नहीं था। कुछ टाइम बाद वीडियो के थ्रू ऑडिशन शुरू हुए तो सुम्बुल ने भी ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 7-8 शोज को ऑडिशन दिए पर उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद सुम्बुल अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो गईं और वो कहती हैं कि उस समय में डिप्रेशन में जाने लगी थी। वो काफी परेशान थीं और ऐसे में ही सुम्बुल ने स्टार प्लस के आने वाले शो इमली के लिए ऑडिशन वीडियो भेज दिया। सुम्बुल कहती हैं कि वो वीडियो कोई खास अच्छा नहीं था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन साइड रोल के लिए भी हो जाएगा। ऑडिशन देने के 10-12 दिन बाद सुम्बुल के लिए एक कॉल आया, बोला गया कि तुम लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर ली गई हो। ये सुनकर सुम्बुल काफी हैरान रह गईं। उन्हें जिस ऑडिशन से साइड रोल मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, वहां उन्हें लीड रोल मिल गया था। फिर सुम्बुल को शूटिंग के लिए बुला लिया गया। जब ये शो ऑन एयर हुआ तो ऑडियंस ने काफी पसंद किया और कुछ ही महीनों बाद सुम्बुल भारत के घर घर में जानी जाने लगी। एक शो ने ही सुम्बुल को टीवी इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस बना दिया। सुम्बुल बोलती हैं जैसा इस शो की कैरेक्टर इमली है वैसी ही सुम्बुल रियल में भी है। सुम्बुल ने इस शो में अपना रियल किरदार निभाया है, इसीलिए उन्हें इस शो में बहुत पसंद किया गया है। इस शो के बाद सुम्बुल को अगली बड़ी पहचान मिली बिग बॉस सीजन 16 से। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने वाली सुम्बुल, जिनके सर से 6 साल की उम्र में मां का साया हट गया और ना जाने कितना स्ट्रगल करके वो टीवी एक्ट्रेस बनी है, इसीलिए सुम्बुल बहुत स्पेशल है। दर्द सहना तो हमने गर्भ से ही सीखा है, सुलूक तो हमारे साथ जानवर सरीखा है, बंदिशें हमारे ऊपर बचपन से ही जारी हैं, घर के अंदर बाहर हर आंख शिकारी है। बेटी यहाँ जाना नहीं, बेटी ये सब खाना नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं पहनना है, हंसना नहीं जोर से, सुनो बातें गौर से, तू पराया धन है और हमारे सर का बोझ है, जहर में डूबे ये ताने मिलते हमको रोज है। चलिए दोस्तों सुम्बुल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। इमली शो में सुम्बुल के अपोजिट लीड रोल कर रहे हैं फवाद खान, और साथ में काम करते करते इन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई, इसीलिए ये बातें फैलने लगी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन सुम्बुल ने कभी इस चीज को नहीं स्वीकारा। सुम्बुल के पिता को कविता लिखने का भी शौक है और ये शौक या कहें टैलेंट सुम्बुल में भी है। सुम्बुल कहती हैं वो एक फूडी गर्ल हैं और उन्हें चिकन खाना सबसे ज्यादा पसंद है। सुम्बुल के फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना हैं और उनकी फेवरेट एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा हैं। सुम्बुल की हाइट 5 फीट 5 इंच और उनका बॉडी वेट लगभग 56 kg है। सुम्बुल बोलती हैं कि एक इंसान का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, कोई कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर ले उतार चढ़ाव फिर भी आते रहते हैं। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? I'm sorry, I kicked it by mistake. You can't kick it by mistake. Then pick it up if it bothers no, you. No, you will pick it up. You don't tell me what to do. I can tell you what you to do. You do not no, tell yes, me what to do. Husband, you do not tell me what to do. Or what? तो फ्रेंड्स ये थी लाइफ स्टोरी सुम्बुल तौकीर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते, तो सरदर्द बन जाइए मेरी तरह।
वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।